आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा में सर्दी बढ़ते ही चोरों की चहलकदमी भी बढ़ गई है। चोर हर रोज चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार रात्रि को चोरों ने थाना बरहन की अहारन पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर दो ज्वेलरी, एक रेडीमेड टेलर और एक कॉस्मेटिक की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने पुलिस की नाक के नीचे चार दुकानों में हाथ साफ कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया और पुलिस सोती ही रह गई। थाना बरहन की अहारन पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने दो सगे भाइयों की ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाया, जहां से नकदी और सोने व चांदी की जेवरा चोर अपने साथ ले गए। आज ताले टूटे हैं चार दुकानों में, क्या क्या सामान भाई की है, एक मेरी दो और है जी। सामान गया करीब 14-15 हजार तो रुपए थे जी, जो धीरे धीरे डालते रहते थे डेक्स में जी। और 600-700 ग्राम चांदी पुरानी, कोई सिक्के वगैरह या टुकड़े वगैरह चांदी के, और एक अंगूठी सोने की 5 ग्राम। अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की, पुलिस सूचना दी है? पुलिस देख गई है अभी। कॉस्मेटिक की दुकान में सेंध लगाते हुए चोरों ने 50,000 रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। कॉस्मेटिक की दुकान थी जी, और इसमें से पैंपर्स किट कार्टून, मेहंदी का कार्टून और ओपल के डिब्बे। कितने रुपए का सामान है? 40-50 हजार का नुकसान हो गया है। कितनी दुकानों चोरी हुई है इस दुकान के आसपास? चार दुकान की चोरी हुई है। कौन कौन सी दुकान है? दो सोने चांदी की और एक टेलर की दुकान की चोरी हुई है, एक मेरी कॉस्मेटिक की दुकान की चोरी हुई है। पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, आई थी पुलिस मौके पर। जांच शुरू की पुलिस ने? जांच शुरू की, देख के चले गए। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर चार दुकानों में हुई चोरी की वारदात से पुलिस सकते में आ गई। एसपी देहात सत्यजीत गुप्ता मौके पर पहुंच गए। जो पुलिस को सूचना मिली है, यहाँ आहरण जो कस्बा है, यहाँ पे रात्रि में चार ऐसी चोरियाँ हुई हैं जो हमारे संज्ञान में आया है। इस चोरी में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले हैं। उस फुटेज के आधार पर और जो बाकी सूचनाएं हमारे पास एकत्रित हुई हैं, उस पर पुलिस वर्कआउट कर रही है और जल्द ही इस केस को हम खोलेंगे। जो दुकानें हमें मालूम चली हैं, दो तो ज्वेलरी की दुकानें हैं जिसमें ज़्यादा कुछ वो ले कर नहीं गए हैं, एक टेलर की दुकान है और एक फॉर्चून की दुकान है। जो फॉर्चून की दुकान है उसमें बता रहे हैं कि कुछ सामान फॉर्चून की दुकान से लेके गए हैं। जो भी सामान लेके गए हैं, पुलिस उसको जल्द से जल्द उसको उसकी बरामदगी सुनिश्चित करवाएगी। सर्दी बढ़ते ही चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। आगरा में इस समय चोर मकान और दुकानों पर हाथ साफ कर रहे हैं। पशु चोरी की वारदातें भी बढ़ी हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत है। सी न्यूज के लिए एतमादपुर से आजाद सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट।